नमस्कार बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आपने पिछली वीडियो में संज्ञा के बारे में पढ़ा, संज्ञा की परिभाषा और उसके अर्थ को जाना, और मैं आशा करती हूँ कि वो सब आपको समझ में भी आ गया होगा। तो आइए एक बार हम पुनः उसको दोहरा लेते हैं कि संज्ञा होती क्या है। नाउन, तो जिन शब्दों में हमें, जिन विकारी शब्दों से हमें किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव आदि का बोध हो, वो कहलाती है संज्ञा। तो आज हम जानेंगे कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। ठीक है, तो देखिए, संज्ञा के मुख्यतः तो तीन भेद होते हैं। जो मुख्य हैं वो तीन कौन कौन से, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये तो हो गई हमारी हिंदी व्याकरण के अनुसार। ठीक है, लेकिन क्या है कि हमारा जो इंग्लिश ग्रामर है उसके अकॉर्डिंग जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन में दो और ऐड कर दिए जाते हैं। तो वो कौन कौन से नाउन है, तो सबसे जो पहला है क, द्रव्यवाचक संज्ञा, और ख, समूहवाचक संज्ञा। तो आज हम इन सारी संज्ञा के बारे में आपसे चर्चा करेंगे और उदाहरण सहित इसको समझाने का प्रयास करेंगे, और आप भी अच्छे से इसे समझिए। तो चलिए है आज, अब हम अपनी पहली संज्ञा की ओर आते हैं। तो देखिए, अब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा करते हैं। जो शब्द निश्चित व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान का बोध कराए, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आइए अब हम इनके एग्जाम्पल से जानते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहला उदाहरण लेके चलते हैं। जैसे स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की, ठीक है, तो इसमें क्या है, विशेष चीज क्या आई है हमारी, विशेष या निश्चित या प्रसिद्ध। तो देखिए, आप गौर करिए इसमें कि विशेष क्या है। तो विशेष क्या है यहाँ पर, नाम। दयानंद जी का जो नाम है वो विशेष है, और विशेष चीजें आएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक और उदाहरण लेके चल लेते हैं। जैसे ताजमहल आगरा में है, ओके, तो राइट है ना, ये बात निश्चित है कि ताजमहल तो आगरा में है, लेकिन इसमें क्या है, वस्तु, और वस्तु नहीं, सॉरी, स्थान। स्थान क्या है इसमें, आगरा। ये मैंने एक बार अंडरलाइन कर दी है, एक बार आप देख लो, आगरा जगह का नाम है, एक स्थान का नाम है, और किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का जो नाम आए किसमें आता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में, ओके। तो ये हमारा हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलो एक उदाहरण और करवा देते हैं। जैसे हिंदी साहित्य में रामचरितमानस अमर है, तो अब इसमें वस्तु क्या है, देखो हमारा नाम भी आ गया, हमारा स्थान भी आ गया, तो
कॉमन सी बात है, इसमें कोई वस्तु आई है और वो वस्तु इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, विशेष है, तो वो क्या है? रामचरितमानस है, तो ये एक पुस्तक का नाम, लेकिन विशेष है। जैसे नॉर्मल हमारी हिंदी इंग्लिश में कोई भी आप बुक ले लो वो नॉर्मल कहलाएगी, तो रामचरितमानस का तो हिंदी साहित्य में अमूल्य योगदान है, तो ये एक विशेष वस्तु हो गई। तो ये हो गए हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा और उदाहरण। अब हम कराएंगे अपनी दूसरी संज्ञा जो कि है भाववाचक संज्ञा। तो देखिए अब हम अपनी भाववाचक संज्ञा की परिभाषा करते हैं। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु के गुण दोष दशा अवस्था का बोध हो। वो क्या कहलाएंगे? भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा में एक बात ध्यान देने योग्य है कि इसमें हम मन के अंदर से ये चीजें फील कर सकते हैं, न तो इन्हें छू सकते हैं न ही देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा, जैसे सबसे पहला हम जैसे किसी के गुण दोष ये ले लेते, तो सबसे पहले अगर हमने किसी का गुण लिया तो गुण में क्या है? अच्छाई, ओके, सफलता इत्यादि, ये सारे गुण होते हैं। अब हमने किसी के दोष लिए, अब दोष में क्या लिखेंगे? जैसे ईर्ष्या, दोष हुआ ना, ये होती है ना ईर्ष्या, घृणा, ओके। ऐसे ही हम दशा ले लेंगे, दशा में क्या आएगा? अमीरी, गरीबी, और लास्ट है हमारा अवस्था। अवस्था में क्या आएगा? जवानी, बचपन, बुढ़ापा इत्यादि। तो देखिए ये तो हमारे हो गए एग्जाम्पल भाववाचक संज्ञा के। भाववाचक संज्ञा को आप मन से फील कर सकते हो, महसूस करते सकते हो, ये दिखाई नहीं देगी और इसको हम छू नहीं कर सकते, स्पर्श नहीं कर सकते। तो ये हो गई हमारी भाववाचक संज्ञा। आइए अब हम अपनी करते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो देखिए तीसरा जो हमारा भेद है वो है जातिवाचक संज्ञा। अब हम इसकी परिभाषा करते हैं कि जिन शब्दों से किसी प्राणी या समूह की जाति का बोध हो। वो क्या कहलाएंगे? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब हम इसके एग्जाम्पल करते हैं। तो जैसे देखिए, जैसे लड़का घर जा रहा है, अब इसमें क्या है? लड़का। तो ये लड़का, अगर यहाँ पर किसी का नाम होता जैसे राम घर जा रहा है तो वो क्या कहलाता? जो हमने सबसे पहले जो संज्ञा का भेद पढ़ा था व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत वो आता, क्योंकि वो नाम था। लेकिन यहाँ पर नाम ने देखे,
जो लड़के की सारी जो जाति है समूह है उसका बोध कराया जा रहा है, तो इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। अब इसका हम एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। जैसे मैं रोज फल खाती हूँ, ठीक है, तो इसमें फल, तो जैसे मैं यहां पर लिख देती कि मैं रोज आम खाती हूँ, मैं रोज संतरा खाती हूँ, तो वो तो नाम हो गए। और नाम किस में आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। लेकिन यहाँ पर नाम ने आकर ये सारे फलों के समूह का बोध करा रहा है, इसमें कोई भी फल आ सकता है, यहाँ पर नाम नहीं दिया हुआ, तो ये कहलाएगा हमारा जातिवाचक संज्ञा। तो ये हो गए इनके भेद। और अब हम जानते हैं जो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत दो भेद और आते हैं, उनकी चर्चा करते हैं और एग्जाम्पल बताते हैं। तो देखिए, जातिवाचक जो संज्ञा है इसके अंतर्गत जो भेद आते हैं हमारे कौन कौन से हैं, जो सबसे पहला है वो है द्रव्यवाचक संज्ञा, और जो हमारा सेकंड है वो है समूहवाचक संज्ञा। आइए इनके बारे में अब हम समझ लेते हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कि जिन शब्दों से किसी द्रव्य पदार्थ या धातु का बोध हो, वो क्या कहलाएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। ओके, तो द्रव्यवाचक संज्ञा में तरल से लेकर ठोस और लिक्विड सारी चीजें आ जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सोना, चांदी, लोहा, घी, तेल, कोयला आदि। ओके, तो ये जो चीजें हैं ये द्रव्यवाचक में आती है। इसके बारे में आपको एक बात और बता दूं कि इन चीजों को जो कि एग्जाम्पल में आपको दिख रही है, इनको हम माप सकते हैं और तोल सकते हैं। ओके, लेकिन इनको हम गिन नहीं सकते, काउंटिंग में इनको ऐड नहीं कर सकते, ये गिनी और गिनी नहीं जा सकती, सिर्फ तोली और मापी जा सकती है। तो ये तो हो गया हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण। और अब चलते हैं हम अपनी समूहवाचक संज्ञा की ओर। ओके, तो इसमें क्या आएगा कि जिन शब्दों से किसी समूह या समुदाय का बोध हो, वो क्या कहलाएगी? हमारी समूहवाचक संज्ञा। और समूहवाचक और द्रव्यवाचक में एक अंतर होता है क्या, कि ये जो संज्ञा है हमारी एक वचन में आती है, ओके, और वो बहुवचन में। तो इसके आप उदाहरण देख लीजिए। जैसे जैसे जनता, भीड़, कक्षा, दल, फौज इत्यादि, ठीक है। तो इनमें एक से ज्यादा चीज होती है, अनेक चीज होती है, तो ये हो गया हमारा समूहवाचक। ओके, तो
तो देखिए बच्चों, आज हमने संज्ञा के भेद कराए। तो कौन कौन से थे? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक के अंतर्गत दो और आते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। और ये मैंने उन सारों के आपको उदाहरण बता दिए। ओके, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सब समझ में आ गए होंगे।